अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मेहदी हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर मेहदी हसन साहब, हम आज अपने प्रोग्राम में यहाँ पे बात कर रहे हैं दीन रसालत के कानून और उसके गिर्द जो आज का एक डिबेट चल रही है उस पर। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जो शख्स पाकिस्तान में ये कहता है कि ये कानून जो है इसे रिविज़न की ज़रूरत है, इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखना पड़ेगा कि कैसे की जा रही है और इसका नफाज कैसे किया जा रहा है, तो लोग उसे भी गुस्ताख रसूल समझने लगते हैं। देखिए, जहाँ तक इस कानून का ताल्लुक है, ये जिस दिन बना था उस वक्त से ही मुतनाज़ा है, ये कंट्रोवर्शियल है और इसको कभी भी पूरी कौम ने एक्सेप्ट नहीं किया सिवाय रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट के। ये जनरल ज़ियाउल्लाह के सोच की पैदावार था ये कानून, और जो लोग इसकी मुखालिफत करते हैं या कहते हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान शामिल है और दूसरी बहुत सी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कि जब ऐसा कोई कानून नहीं था अंग्रेजों के दौर में 100 साल तक, तो कोई वाकयात जो हैं तौहीन रिसालत के या इस्लाम की तौहीन के वो रूनुमा नहीं हुए। सिर्फ एक केस हुआ था जो बहुत हाई प्रोफाइल था 1931 में, राजपाल वाला। तो और जब से ये कानून बना है 34 आदमी जो हैं उनके खिलाफ केस किया गया है, और उनमें से बेशतर जो हैं वो बगैर सजा के कत्ल हो गए, यानी सजा तक नौबत नहीं पहुंची। कुछ लोग जेल में कत्ल हो गए, कुछ लोग अपने घरों में कत्ल हो गए, कुछ लोग थाने पहुंचने के बाद कत्ल हो गए, और उनमें 18 मुसलमान भी थे जिनके खिलाफ ये केस हुआ, बाकी गैर मुस्लिम थे। तो हम ये समझते हैं कि ये इतना सेंसिटिव मामला है और इतना जज्बाती कर दिया है लोगों ने इसको, कि इसमें ना तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो सकती है पुलिस से, और ना इसमें जज जो है वो कोई फैसला जो है इम्पार्शल होके और उसको बगैर किसी खौफ के फैसला सुना सकता है, क्योंकि एक जज भी कत्ल हो चुका है जिसने ब्लैसफेमी के अक्यूज्ड की बेल ले ली थी, उसको भी कत्ल कर दिया गया था हाईकोर्ट के जज को। तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये कानून जो है ये क्योंकि कुरान का कानून नहीं है, ये इंसानों का बनाया हुआ कानून है, इसलिए इसमें बहुत सी या तो ऐसी तब्दीलियां की जाएं, अमेंडमेंट्स की जाएं कि मिसयूज जो है वो पॉसिबल ना रहे इसका, क्योंकि हमारी स्टडी है HRCP की कि जितने केसेस रजिस्टर हुए हैं उनमें से बेशतर केसेस जो हैं वो लोगों ने अपने पुराने दुश्मनियां सेटल करने के लिए और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ये एक्यूज किया है लोगों को, और इसमें तौहीन रिसालत का या तौहीन इस्लाम का कोई मसला दरपेश नहीं था। जी बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहदी हसन साहब।